देश के अधिकांश राज्यों में विद्यालय खोल दिया गया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या बिहार या फिर हरियाणा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे कम केस आने के बावजूद स्कूल ना ओपन करना और सरकार का विद्यालय को ओपन करने या ना करने पर चुप्पी साधे रहना छात्रों के भविष्य को गहरे पानी में डुबा रहा। खैर, यूपी में विद्यालय कब से खुलेगा, इस बारे में आज आपको जानकारी देंगे और किन राज्यों में कब से स्कूल खुल रहा है बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। स्कूल रीओपन होने को लेकर एक बड़ा अपडेट है, कब खुलेंगे दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों के स्कूल, जानिए ताजा अपडेट। जी हाँ, आपको बताने वाले हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट खबर देंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ बंदिशों में छूट देनी शुरू कर दी है। इसके तहत स्कूल को दोबारा खोलने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, हरियाणा के सभी स्कूल कक्षा 9 से 12 तक 16 जुलाई से खुल रहे हैं, वहीं 6 से 8 तक 23 जुलाई से खोलने का निर्णय लिया गया है। शिक्षण संस्थानों को इस दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा, यानी हरियाणा में विद्यालय खुल रहा है। महाराष्ट्र में भी 15 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने केवल वही स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है जहां पिछले एक महीने से कोरोना का एक भी केस नहीं आया। 8वीं से 12वीं तक के क्लास 15 जुलाई से खुलेंगे, यानी ऑफलाइन पढ़ाई यहां पर भी शुरू हो जा रही है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 3 फेज में स्कूल खोलने का ऐलान है। आपको बता दें, 28 जून को पहला फेज था, यानी पहला चरण था, जिसमें शिक्षक और छात्र को बुलाया गया था और जरूरत पड़ने पर माता पिता से ऑनलाइन जुड़ना था। इसके बाद 5 जुलाई से दूसरा चरण शुरू हुआ। इस दौरान शिक्षक भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग देना शुरू किए हैं। वहीं अंतिम व तीसरा चरण अगस्त से शुरू होगा, जिसमें बच्चों को बुलाया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा और कक्षा नर्सरी से 8वीं तक वर्क शीट भी दी जाएगी। यानी दिल्ली में विद्यालय खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो स्कूल खोलने का फैसला वहां पर अभी नहीं है फिलहाल, और बिहार में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है, यानी 9 से 12 तक के विद्यालय खोल दिए गए हैं। 6 जुलाई को आदेश जारी किया गया और 12 जुलाई को विद्यालय खोल दिया गया, यानी कल से विद्यालय खुल गए हैं। लेकिन बच्चों के अटेंडेंस काफी कम थे, धीरे धीरे बच्चे भी वहां पे पहुंचेंगे, यानी बिहार में भी विद्यालय ओपन हो गया है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल को दोबारा खोलने का फैसला किया है, जल्द इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। वहीं 16 अगस्त से आंध्र प्रदेश में भी विद्यालय खोला जा रहा है। हम ये सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में विद्यालय खोल दिया गया है। इसका कारण है केंद्र सरकार के फैसले। उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के फैसले, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चलती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप इसमें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आखिर स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेज कब खुलेंगे, इसके बारे में हाईलाइट आप देख लीजिए। यूपी में मार्च महीने में स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान बंद है। यूपी की योगी सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलती दिख रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने बताया कि 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार स्कूल खोलने को लेकर जो फैसला लेगी, वही यूपी सरकार भी उसके नक्शे कदम पर ही चलेगी। देश में 16 मार्च से सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया और सभी छात्रों का जो भविष्य है वो डूबता जा रहा है। कारण ये है कि ऑनलाइन शिक्षा उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसा होना चाहिए था। हर किसी के मन में एक सवाल है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। हालांकि स्कूल ना खुलने की वजह से स्टूडेंट को स्टडी का पारंपरिक माहौल नहीं मिल पा रहा। ऐसे में पेरेंट्स की चिंता बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स और स्टूडेंट की उत्सुकता का समाधान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज को खोलने की बात कही है। दरअसल देश के HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। कितनी होगी उपस्थिति? एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की गतिविधियां जुलाई महीने के बाद से शुरू हो सकती हैं। यानी विद्यालय जुलाई के बाद खुलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जुलाई तो बीतती चली जा रही है। लेकिन इस दौरान स्कूल और कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति 30% ही रहेगी, यानी 50% से भी कम रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि कक्षा 8 तक के बच्चे घर पर ही रह सकते हैं, यानी उन्हें सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा ही मिलेगी इस वर्ष। लेकिन अभी नियमों को लेकर केवल अटकलें ही लगाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी चुनौती है छोटे बच्चों के लिए। स्कूल खुलने के बाद स्कूल कॉलेज और प्रशासन का सबसे बड़ा जोखिम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। भीड़ को कम करने के लिए कक्षा का संचालन में भी सावधानी बरतनी होगी। कुछ दिन पहले जारी हुई रिपोर्ट में कक्षा संचालन के विषय में जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए विभाग की तरफ से ये आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा कि अभी इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, HRD मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल का मानना है, केंद्र के साथ जुड़े हैं, केंद्र के फैसले का स्वागत करते हैं और 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज को खोलने की बात कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ केंद्र सरकार के फैसले पर, केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर, SOP पर ही काम करती है, फॉलो करती है।
जैसे ही केंद्र सरकार का स्कूल ओपन होने को लेकर कोई बड़ा फैसला आएगा, यूपी सरकार यानी योगी सरकार भी उसको फॉलो करते हुए विद्यालय को खोलेगी। इसके साथ आपको बता दें, यूपीएससी प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल ने जो पत्र लिखा था दिनेश शर्मा जी को, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है, जिस वजह से 19 जुलाई या 2 अगस्त से विद्यालय खोलना अभी तो फिलहाल पेंडिंग पड़ा हुआ है। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सुझाव दिया जाएगा। इसके साथ लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए, विद्यालय को ओपन होने के लेकर आप लगातार कमेंट करते रहिए, जिससे ये एक ट्रेंड बन जाए और विद्यालय ओपन करने के लिए सरकार को हामी भरनी पड़ जाए। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।